सबसे पहले हमको चाहिए इस टाइप की कोई बॉटल। मेरे पास शैम्पू की बॉटल थी, आपके पास जो भी बॉटल हो आप वो ले सकते हो। तो फ्लैट बॉटल रहती है ना तो काफ़ी अच्छा होता है अगर आप वॉल वॉल पे लगाना हो तो। उसके बाद तो मैंने ऊपर से इसको कट कर लिया है नाइफ को गर्म करके। आपको जैसे भी कन्वीनियंट लगे आप उसको कट कर लीजिए। और जो एजेस है ना वो थोड़ी सी धार शार्प है तो उसको कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे पेपर टेप का इस्तेमाल किया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे फेविकोल लगा दूंगी अच्छे से। आपको पूरे में फेविकोल स्प्रेड करते हुए ये जो मेरे पास जूट रोप रखी है ना उसको मैं इसमें पूरे में कवर कर दूंगी इस पूरी बॉटल को जूट रोप से। और याद रखें ज़रा भी यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप दिख रहा है तो इस तरीके से आप नीचे से प्रेस करते हुए आप बहुत अच्छे से धीरे धीरे करते हुए इस पूरी बॉटल को जूट रोप से कवर कर देंगे। अगर आपके पास जूट रोप ना हो, आपके पास अगर वूल हो आप उससे भी इसको कवर कर सकते हो। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने कवर कर दिया है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे वॉल पुट्टी ली है, करीब मैंने 2 स्पून वॉल पुट्टी ली है। कोई भी पुराने बाउल में आपको लेना है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वाटर डाला है। याद रखिए पानी बहुत थोड़ा डालना है, बहुत जल्दी ये गीला गीला सा पेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा पानी डाल के हमको एक डो का रूप इसको देना है। जैसे आटा गूंथते हैं ना बिल्कुल वैसे ही हमको एक डो बनाना है। अब यहाँ हाथ में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और उसके बाद मैंने एक ये देखिए बहुत सॉफ्ट सा डो तैयार हो गया है। अब इस डो से हमको फ्लावर बनाना है तो मैं यहाँ पे रोज़ फ्लावर बना रही हूँ। आपको जो भी फ्लावर कन्वीनियंट लगे आप वो बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं बहुत ही इजी तरीका है रोज़ बनाने का, ये देखिए छोटे छोटे से आप लीजिए जो पेस्ट बनाया है और इस तरीके से रोल करके मैंने जो रोज़ का बीच वाला हिस्सा पार्ट होता है ना उसको मैंने बनाया है। देन छोटी छोटी पेटल्स बना के आप इसको इसमें पेटल्स पेस्ट करते जाइए। और बहुत ही इजी तरीका है कि आप इस तरीके से फ्लावर बना लीजिए। और यहाँ पे मैंने नाइफ का यूज़ किया है, अगर आपके पास कटर हो उसका यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप नाइफ का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो चीज़ें इजीली अवेलेबल है मैं वो आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे वाटर लगा लगा कर आपको सारी पेटल्स इसमें पेस्ट कर देना है, इजीली पेस्ट हो जाती हैं ये। तो इस तरीके से आपको 3 से 4 5 जितनी भी अच्छी लगे आप पेटल्स लगा सकते हो। और ये हमारा प्यारा सा रोज़ बनके छोटा सा तैयार हो जाएगा। और इसको अलग रख दीजिए सूखने के लिए। अब उसके बाद हम इसमें लीफ बनाएंगे यानी कि पत्तियाँ बनाएंगे। तो बस सिंपली हमको क्या करना है, एक डो पतला सा आप इसको फ्लैट कर लीजिए इसको। और उसके बाद नाइफ की हेल्प से मैं कट कर रही हूँ। आपके पास कटर हो आप उसे कट कर लीजिए, बहुत अच्छे शार्पनेस से कट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कट कर लिया है लीफ को और ये देखिए इजीली उठ जाता है। आप उठा करके इसमें हल्का हल्का सा टेक्सचर दे सकते हो, जो लीफ का पैटर्न होता है ना वो आप इजीली इसमें दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगेन नाइफ की हेल्प से लीफ का पैटर्न दे रही हूँ। आपको अगर छोटी सी स्टिक होती है ना टूथपिक आप उससे भी पैटर्न दे सकते हो। देन यहाँ पे मैंने 2 लीफ बनाई हैं और उसको सूखने के लिए फिर आप रख दोगे। और उसके बाद ये जो स्टेम होती है ना उसको मैं बना लूँगी। और आपके पास जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको स्ट्रक्चर अच्छा लगे, जो भी आपको पैटर्न अच्छा लगे, आप जो भी आपको इजीली बनाना आता हो आप बना लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 लीफ बनाई हैं। देन यहाँ पे मैं जो डंडी होती है ना वो मैं बनाऊंगी। तो मैं अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको बना रही हूँ। मैं थोड़ा वेवी लुक देने वाली हूँ तो वहाँ पे मैं वेवी लुक दूंगी। और पहले से मैं रख के देख रही हूँ कि कैसा होगा, बस इसी तरह मैं इसको रख करके ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी तो वो इसी शेप में वो ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इन सबको बना के रख लिया है और ड्राई होने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो आप बहुत अच्छे से जब ड्राई हो जाए ना तब आप आगे का काम स्टार्ट करिएगा। और ये देखिए छोटे छोटे से जो पेटल्स मैंने और बना के रख लिए थे ताकि मेरे पास जो थोड़ा सा डो बच गया था उसका मैंने बना के रख लिया था। अब मैं फेविकोल की हेल्प से मैं इसको सबको प्लेस कर दूंगी, जहाँ जहाँ जिस जिस के लिए मैंने बनाया है वहाँ वहाँ के लिए मैंने सबको ये देखिए बहुत अच्छे से फेविकोल की हेल्प से प्लेस करके पेस्ट कर दिया है। अभी छोटी छोटी सी पैटर्न्स मैंने कुछ इस तरीके से पेस्ट किए। अब मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर्स का यूज़ किया है, पर्ल एक्रेलिक कलर, रेड,
येलो, ग्रीन, व्हाइट, कुछ इस तरीके से कलर्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। आपको जो भी कलर अच्छा लगे, एक्रेलिक कलर का यूज़ आप इजीली कोई भी कलर कर सकते हो, तो मैंने कर लिया है। और याद रहे, एक भी व्हाइट पैटर्न होता है, व्हाइट कोना बिल्कुल भी ना छूटे, अच्छे से आपको धीरे धीरे से कलर कर लेना है। और यहाँ पे हमारा मैंने सारे कलर कर लिया है बहुत अच्छे से, और देन लास्ट में मैंने व्हाइट कलर उसमें करके और थोड़ा सा रेड से शेड दे रही हूँ। और उसके बाद आपको जो भी मनपसंद जो भी कलर लगे आप शेड दे दो। और यहाँ पे कुछ मिरर मैंने यहाँ पे पेस्ट किए हैं, आप ये आप अप टू यू है, आपके पास जो भी जैसा भी मटेरियल हो आप वहाँ इसका यूज़ कर सकते हो। बस मेरा बहुत प्यारा सा क्राफ्ट बन के तैयार हो गया है। अब आप इसको एज अ पेन होल्डर यूज़ कर सकते हो, एज अ प्लांटर यूज़ कर सकते हो। ये इजीली वॉल पे पेस्ट हो जाता है, आप चाहो तो डबल साइडेड टेप की हेल्प से इसको पेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज मैंने यहाँ पे नेल की हेल्प से इसको लगाया है, हल्का सा मैंने स्क्रू ड्राइवर को गरम करके यहाँ पे होल कर दिया है और होल बन गया है। और छोटी सी नेल लगा करके आप इसको कहीं भी वॉल पे इजीली लगा सकते हो। आप चाहो तो इसमें लिविंग प्लांट लगा सकते हो, लाइक जो आपका मनी प्लांट होता है उसको लगाइए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मेरे पास प्लांट अवेलेबल नहीं था राइट नाउ, तो मैंने कुछ आपको इस तरह लग के दिखा दिया है। आप पेन होल्डर का भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा ये रिसाइकल DIY। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक ले, बाय बाय।